वाली सोल्जर 2 रीमेक होगी ये सीक्वल। कौन नजर आ सकता है सोल्जर 2 में? क्या बॉबी देओल के बेटे करेंगे सोल्जर 2 से इंडस्ट्री में एंट्री? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोल्जर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार बातें। 1998 में आई सोल्जर फिल्म से बॉबी देओल ने अपने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। आज जहां लोग मस्कुलर एब्स वाले हीरोज को पसंद करते हैं, वहीं 90s के उस दौर में बॉबी देओल जैसी लीन बॉडी के हीरो को पसंद किया जाता था। पर भाई, अब दौर बदल रहा है, दर्शकों की डिमांड्स भी बदल रही हैं, तो ऐसे में बॉबी देओल अपने को आज के जमाने का हीरो बनाने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पे बॉबी देओल के काफी डैशिंग पिक्चरें वायरल हो रही हैं। ऐसे में क्या बॉबी इतनी मेहनत आने वाली फिल्म सोल्जर के सीक्वल के लिए कर रहे हैं? जी हाँ, खबर है कि जल्द ही सोल्जर 2 आने वाली है, पर ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आने वाली सोल्जर 2 रीमेक फिल्म होगी सोल्जर की ही या फिर डायरेक्टर इस बारे अनोखी कहानी के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते हैं। खैर, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। पर अगर फिल्म का रीमेक बनेगा तो कौन होगा बॉबी देओल और प्रीति जिंटा के किरदार में? जहाँ सुनने में आ रहा है कई बॉलीवुड सितारे अपने बच्चों की कराने जा रहे हैं बॉलीवुड में एंट्री, तो काफी चांसेस है कि बॉबी देओल अपनी ही फिल्म के रीमेक यानी सोल्जर 2 से अपने बेटे आर्यमन देओल का डेब्यू करवाएं। वैसे आर्यमन देओल हैं तो काफी स्मार्ट, और उनकी स्मार्टनेस की तारीफ तो खुद फरहा खान ने भी की है। पर अगर आने वाली ये फिल्म भी सोल्जर की तरह ही एक नई रियल कहानी पर बेस्ड रही जिसमें रोमांस है, ड्रामा है और एक्शन से भरे सीन्स, तो ऐसे में हो सकता है डायरेक्टर किसी एक्शन हीरो को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाए। शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और जॉन अब्राहम जैसे काफी कलाकार हैं इंडस्ट्री में, जो फिलहाल एक्शन फिल्मों के लिए हर डायरेक्टर की पहली पसंद है, तो हो सकता है इन्हीं में से कोई दिखे हमें सोल्जर 2 में। अब ये तो हुई हीरो की बात, पर हीरोइन बिना कोई फिल्म कभी चली है? ना जी ना। तो ऐसे में अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा या टाइगर में से किसी को फिल्म में कास्ट किया जाए तो काफी चांसेस हैं कोई न्यूली एक्ट्रेस ही हमें इनके साथ देखने को मिलेगी। शायद प्रीति सिंह, तारा सुतारिया, अनन्या पांडे और दिशा पटानी जैसी हीरोइंस। पर अगर अक्षय या बॉबी भी इस फिल्म में नजर आए तो फिल्म की बात ही विचार हो जाएगी। और इनके टक्कर की अभिनेत्रियां तो काफी हैं, पर कंगना या जैकलीन फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं। अब कौन नजर आता है कौन नहीं, ये तो जल्द ही पता लगेगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सोल्जर 2 में एक नई कहानी देखना पसंद करेंगे या फिर सोल्जर फिल्म का ही रिमेक। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बॉलीवुड स्टोरी।